अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आ गया, लेकिन एक बार फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने रिव्यू याचिका को दाखिल करने का फैसला लिया। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की याचिका पर मुस्लिम पक्षकार हाजी महबूब ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला शक पैदा करने वाला है। यह फैसला जो भी आया है, हम इस फैसले से असंतुष्ट हैं। उन्होंने कहा कि 5 एकड़ जमीन पर कोई निर्णय नहीं लिया गया, अभी हम रिव्यू याचिका दायर करेंगे, तब 5 एकड़ जमीन के बारे में सोचेंगे। वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की रिव्यू याचिका दाखिल करने पर इकबाल अंसारी ने कहा है कि जब वहां सुलह समझौता के लिए पार्टी बुलाई गई थी तो वहां 25 पक्षकार बुलाए गए थे। 14 पक्षकार लिखा पढ़ी में हाई कोर्ट में हैं। हम सबके जिम्मेदार नहीं हैं, हम अपने आप के जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमारी कमेटी है, कमेटी के लोग हैं, किसी कमेटी से किसी का कोई विरोध नहीं है। हमारे जाने से और ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल हिंदुस्तान का कानून है। उन्होंने कहा कि हम हिंदुस्तान के संविधान को अच्छे तरीके से माने हैं, पूरे देश दुनिया को अच्छा संदेश दिया है, वही इस फैसले को सभी ने माना है। यह हमारे देश का संविधान है, मैं किसी को कुछ नहीं कहता, मेरा एक मजहब है, चाहे वह हिंदू पक्षकार का हो या मुस्लिम पक्षकार का हो। हमारा अच्छा संदेश देना लोगों का काम है, जो लोग हमारी बातों को अमल करेंगे वही हमारे सबसे अच्छे हैं। देखिए, अदालत ने जो फैसला दिया है, हम इससे इनकार तो करते नहीं कि ठीक है, लेकिन उन्होंने जिस गोल मोल मटोल से फैसला में उसमें हुआ कि मस्जिद आपकी है, मस्जिद में नमाज होती थी, मस्जिद में बुत रखा गया भी सही है, मस्जिद ऐसा ही कि ये है कि मस्जिद को मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई, ये भी है। आप बताइए, सब होने के बावजूद फिर भी उन्होंने कहा कि ये रामलला को दे उनको जमीन की हो गई, तो ये एक शक की निगाह से देखी जा रही है। इसलिए हम लोग इसको याचिका दायर करने जा रहे हैं। और ये जो पुनर्याचिका का फैसला है, क्या आप इससे संतुष्ट हैं? हाँ, देखिए, बिल्कुल संतुष्ट हूँ, क्योंकि अब मजबूरी है ये करना। अच्छा, ये जो पुनर्याचिका, उसमें मेन क्या क्या बिंदु होंगे? अब यही सब बिंदु हैं जो हमारे वकला अब चाहेंगे तो करेंगे। ये बिंदु है कि वहाँ जब हर चीज, हिंदुस्तान का जो संविधान है, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पुनर्याचिका, विदेशी कानून तो है नहीं, देश का ही कानून है। पार्टियां 5 हैं और सबके मुकदमे अलग अलग हैं। हमारा कोई मकसद नहीं, अगर हमने कह दिया कि हम नहीं जाएंगे, वो अलग की बात रही, और पार्टियां हैं वो जा रही हैं। हम किसी के मालिक तो है नहीं कि सबको ही मना करें, सबके अलग अलग मुकदमे हैं, अलग अलग वकील हैं, अलग अलग लोग पक्षकार हैं। जरूरत अगर से जो सदन है, लोग समझें तो जानकारी भी लोग कर लें कि हाँ, कि इसमें कितने मुकदमे हैं। जब जो है यहाँ सुलह समझौता के लिए पार्टी बुलाई गई थी तो 25 पक्षकार बुलाए गए थे, 14 पक्षकार लिखा पड़ी में हाई कोर्ट में है। हम सबके जिम्मेदार नहीं है, मैं अपने आप का जिम्मेदार हूँ, क्योंकि हमारी कमेटी भी है, कमेटी के लोग हैं, और कोई कमेटी से मैं किसी का कोई विरोध नहीं है।